इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। देन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैजर्ड वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जो खतरनाक किस्म के होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अनकंट्रोल्ड लैंड ट्रीटमेंट, लैंड की जो है वो हमने कोई नक्शा नहीं बनाया हुआ कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जो है ना वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं डंप कर दिया है, कहीं फैक्ट्रीज ने कहीं बड़े बड़े एरियाज ऐसे ही छोड़े हुए। बर्निंग ओपन डम्प्स एंड फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी लैंड की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हमारे फॉरेस्ट, हमारे प्लांट हम उन्हें काट रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने मकसद के लिए, बाज़ा जो है वो ऐसे भी लोग काट देते हैं, वहाँ पर आग लग गई है, वो जगह ख़राब हो गई है हमारी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं प्लास्टिक हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमने डंप कर दिया, और ये प्लास्टिक जो है उसका हम रीयूज़ नहीं कर रहे, इसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी प्रॉब्लम है। केमिकल्स निकल रहे फैक्ट्रीज से, फर्टिलाइजर्स जो हैं आपके, और वैसे ही आपने जो वो वेस्ट को डंप किया हुआ है। अब ये जो इतनी सारी किस्म की पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, व्हाट इट इफेक्ट द लैंड कैन नॉट यूज टू बिल्ड हाउसेज, आपने ये सब जगह फेंक दिया, अब आप इसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मैन कैन नॉट बी फार्मिंग, आप वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर विल गेट्स इफेक्टेड, जो जमीन के अंदर पानी है वो भी मुतासर हो जाता है। यस, आपने जो वहाँ फेंका हुआ जमीन में पानी भी कम होता जाता है। डेथ ऑफ द एनिमल्स दैट इनहैबिट द लैंड, जो वहाँ रहते हैं वो लोग भी मुतासर होंगे और एनिमल्स भी मुतासर होंगे। प्रिवेंशन कैसे करनी है आपने, मोर एंड मोर लैंड शुड बी ब्राउट अंडर फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की काश्तकारी की जाए ताकि वो खूबसूरत भी लगे, वो प्रोडक्टिव भी हो जाए, आपको उससे फूड मिलना शुरू हो जाए, एनिमल्स को फूड मिलना शुरू हो जाए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी हो, जैसे गवर्नमेंट अक्सर करती है, आप देखते हैं रोड्स जो होते हैं उनमें जो क्रॉसिंग लगाई होती है फुटपाथ पर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, बट हम ही क्या करते हैं, हमने खराब कर रहे होते हैं, एंड वी शुड नॉट डू दिस। वेस्ट मैटर शुड बी डिस्पोज इमीडिएटली, जो भी आपके घर की गंदगी है या जो सी चीज़ है आप उसे इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दें। सफाई में ईमान ही नहीं तो हमारे दीन का भी पार्ट है। अवॉइड ड्रिलिंग द लैंड फॉर मोर अंडरग्राउंड वाटर, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की खुदाई ना करें पानी के लिए। अवॉइड यूजिंग मोर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो किसान हैं जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करें और पेस्टिसाइड यूज़ ना करें। इंटेग्रेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनके साथ जो है सॉलिड को, जो भी ऐसा सॉलिड है उसको बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके से वेस्ट किया जाए। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर में अब नई चीज़ें आती जा रही हैं उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। रीमेडिएशन ऑफ पोल्यूटेड सॉइल्स, आप जो है जो सॉइल पोल्यूटेड हो गई है, जैसे एसिडिक सॉइल हो जाती है उसको ट्रीट करें और वहाँ पर भी कल्टिवेशन करें। प्रिवेंशन ऑफ रीजन एंड सर्चिंग, अब ये किस तरह से होगी, यही होगी कि जब आप प्लांटेशन कर रहे होंगे ना तो प्लांट ज़मीन में तमाम चीज़ों को बाइंड कर देता है और आपकी जो अर्थ होती है, आपका जो वो एरिया होता है वो इरोजन से बच जाता है। कंटेनमेंट ऑफ हैज़र्डस वेस्ट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग लैंड ट्रीटमेंट टेक्निक्स, और तमाम टेक्निक्स को फॉलो करें, ट्रीट करें जो भी आपकी ज़मीन ख़राब हो गई है, ताकि आप वाटर पोल्यूशन से भी बच सकें और एज वेल एज आप लैंड पोल्यूशन से भी। ये 3 R's principle, reduce, reuse, recycle, ये देखते हैं हम। recycle, ठीक है जी, recycling means to use material again to make, अब ये छोटे छोटे से दिन उन्होंने इसको बड़े करके कोई चीज़ बना ली, यहाँ पे कोई चीज़ रख दी, ठीक है। अच्छा जी, recycle हम क्या कर सकते हैं, save limited natural resources, prevents greenhouse gas emission and water pollution, अगर आप recycle कर रहे हैं चीज़ों को तो आपके जो natural resources हैं वो सेव हो जाएंगे, आपकी ग्रीन हाउसेस की जो गैसेस हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी, नहीं तो ग्रीन हाउस गैसेस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती ही चली जा रही है और उस वजह से ज़मीन पे गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एनर्जी को आप सेव करें, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट्स जॉब, सेव्स लैंडफिल स्पेस। अच्छा जी, रिडक्शन या रिड्यूस क्या करें आप, रिडक्शन मीन्स टू मेक समथिंग स्मॉलर, आप चीज़ों को छोटा कर दें, लेस ऑफन, कम से कम यूज करें उनका, वेस्ट कम करें चीज़ों को। वेस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, मेक डबल साइड कॉपीज, यानी कि हम कभी क्या करते हैं कि एक ही साइड पे लिखा कॉपी का दूसरी ज़ाया कर दिया, नो यू कैन रिड्यूस इट, आप डबल साइड यूज करें। सर्कुलेट मेमोज, डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो सब, यूज ड्यूरेबल कप्स एंड सिल्वर वेयर, प्रूफ फ्री।